परसेंट में आटा डाल रही हूँ। नमक और अजवाइन अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बटर मिल्क, ये आधा बाउल है। ये दो रेडी हो गया है, इसको कड़ा मारते हैं। देखिए ये हो गया, इसको मैं रात में फुला के रख रही हूँ, सुबह बनाएंगे ब्रंच के लिए। ये छोले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधे कटोरे छोले, इसमें मैं 3 times पानी डाल के फुला के रख दूंगी। ये काम मैं रात में कर लेती हूँ। मैंने भिगा दिए थे, देखिए। अब इसमें मैं नमक और सोडा डाल के बॉईल करने रखूंगी। ये मैं थोड़ा सोडा डाल दूँ इसमें, ये मैंने नमक डाल लिया है। तो मैं आधे घंटे तक सिम में रखूंगी। ये आधे घंटे मैंने गैस पे रखा, अच्छी तरह से देखिए उबल गए हैं। और उसके बाद मैंने तेज करके 2-3 सीटी ले ली हर एज ग्रुप के लिए। ये छोले एकदम मुँह में रखते ही घुल जाते हैं। अब मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। अब मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए 4 लहसुन, 3 मिर्च लिए हैं, प्याज रख लिया है मैंने कट करके, दो बड़े टमाटर मैंने रख लिए काट के, इसको पीस लेंगे। इसमें मैं डालूंगी जीरा, हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक तो हमने छोले में पहले डाल ही दिया था, इसके लिए थोड़ा सा डाल लेते हैं। मिर्ची आप जितना भी तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए। ये तेल गरम कर लिया मैंने छोले बनाने के लिए, मसाला पूरा अच्छी तरह से पीस लिया। मसाला अच्छी तरह से सीख गया है पूरा, देखिए तेल निकल गया, छोड़ दिया मसाले में तेल। अब हम डालेंगे छोले। मैंने लिया है छोले का मसाला, चना मसाला, और ये लिया है अमचूर। मिनट जैसा होने के बाद एकदम से अच्छा उबल गया है। ये कलवाड़ा था हमने मैदा, अच्छा हो गया है। हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। हम इसको गोल भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह का बना के दिखाऊंगी। अगर बच्चे छोटे हैं तो छोटे छोटे भी बना के खिला सकते हैं उनको। तेल गरम हो गया, थोड़ा हमने डाल दिया है नमक, डाल के देख लेते हैं।
तक मैं क्रिस्पी करना हूँ आपको। जब इसको डालते हैं तो थोड़ा इस तरह से चाला देने से दबाने से फूल जाता है। वैसे ही रात भर खुला रहने से और अच्छी तरह से फूलता है। छोले भटूरे, मैंने भटूरे मम्मा भटूरे बनाए, फिर बेबी भटूरे बनाए। जब बच्चों को इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ कुछ खाना देते हैं बना के, तो उनको बहुत पसंद आता है और वो बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं। ओनियन मैंने कट की है, इसमें नींबू नमक डाला है और छोले भी तैयार हैं। फिर ये छोले हो और राइस ना बने, ऐसा हो सकता है? तो संडे का ब्रंच रेडी है, छोले भटूरे विथ राइस विथ ओनियन।